नमस्कार नमस्कार। देश भर से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिवादन। मैं सबसे पहले तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने इस कार्यक्रम की रचना की और मुझे भी खास करके बजट की पीछे हमारी सोच क्या है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने प्रस्तुत करने का अवसर दिया। वैसे कल निर्मला जी ने बहुत ही खूबसूरती से बहुत ही अच्छे ढंग से और बड़ी कोशिश करके कम समय बजट के कुछ पहलुओं को हमारे सामने रखा। बजट स्पीच में पूरा बजट तो संभव नहीं होता क्योंकि बजट अपने आप में बहुत बड़ा दस्तावेज होता है, बहुत बारीकियां होती है और सदन में उन सब चीजों पे बोलना संभव भी नहीं होता है। मैं भी आज आपसे जो बात करूंगा वो भी शायद बजट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा बोल पाऊंगा क्योंकि इसमें इतने विषय होते हैं, लेकिन जब विभागवार चर्चाएं होती हैं और ये साल भर का काम है उसको एक घंटे में बता देना बड़ा कठिन होता है। फिर भी जब अध्यक्ष जी ने कहा कि इसके पीछे सरकार की सोच क्या है जरा आप बताएं तो अच्छा होगा, तो मैंने कहा ठीक है, पार्टी का आदेश मेरे सर आंखों पर है और आज लोकसभा भी दोपहर के बाद है, तो मैंने कहा ठीक है अगर आज सुबह हम बात कर सकते हैं तो फिर इसलिए आज आपके बीच आने का मुझे मौका मिला है। साथियों, आज देश आजादी के 75वें वर्ष में और इस समय 100 साल में आई सबसे बड़ी वैश्विक महामारी से आज हिंदुस्तान लड़ रहा है। कोरोना का ये कालखंड पूरी दुनिया के लिए अनेक चुनौतियां लेकर के आया है और एक प्रकार से दुनिया उस चौराहे पर आकर के खड़ी है जहां पर टर्निंग पॉइंट निश्चित है। आगे जो दुनिया हम देखने वाले हैं वो वैसी नहीं होगी जैसी कोरोना काल से पहले थी। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में बहुत बदलाव आए, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया, वैसे ही कोरोना के बाद दुनिया में बहुत सारे बदलाव की संभावना है, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है और इसके प्रारंभिक संकेत नजर भी आने लगे हैं। हम सब ने इस बात को मार्क किया होगा, अनेक कोने से सुना होगा, बहुत सी चीजें पढ़ी होगी और आप भी दुनिया में कहीं जाते होंगे, मिलते होंगे तो आप भी अनुभव करते होंगे। आज भारत की तरफ देखने के विश्व के नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव